दीपावली से भगवान गणेश आपके हर कार्य को निर्विघ्न पूरा करें, आपके घर में मंगल ही मंगल हो, आपके परिवार में खुशहाली आए, इसके लिए आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। भगवान गणेश कलव चंडी विनायक हो सबसे प्रभावशाली देवता हैं। तो भगवान गणेश का जो एक शक्तिशाली मंत्र कलयुग में है वो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणानांत्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणांत्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनांत्वा निधिपति गंगवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा तुम जासि गर्भधम। ओम श्री गणेशाय नमः। अब गणेश जी का आवाहन करने के बाद मैं माँ महालक्ष्मी से साष्टांग दंडवत करते हुए विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, आप हमारे संस्थान और हमारे सभी दर्शकों का और संपूर्ण देशवासियों का, विश्व का कल्याण करें और लोगों के यहाँ से दरिद्रता दूर हो जाए, सुख समृद्धि का वास हो। जहाँ लक्ष्मी का अनादर है उनको भी आप माँ सद्बुद्धि दें, वो भी सदाचार के रास्ते पर चलें। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। अक्षस्त्र पर शुंगदेश कुलिशम पद्मम धनु कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम चरम जलजम घंटासुरा भाजनम शूलम पाशदस्तने हस्ती प्रसन्नानाम सैवै सैवमर्दिनी मे महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। महालक्ष्मी की जय हो। हे माँ महालक्ष्मी, आप समस्त दर्शकों को सद्बुद्धि दें और श्री लक्ष्मी के रूप में उनके घरों में निवास करें, ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति करें, सद्बुद्धि और सदाचार के लिए माँ उन्हें उनका मार्ग प्रशस्त करें और आपकी कृपा दृष्टि सदैव उन पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, संस्थान पर बनी रहे और जगत का कल्याण हो। हे माँ, यही प्रार्थना स्वीकार करो। जय माँ विंध्यवासिनी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल कालचक्र। शुभ दीपावली। दीपावली की पूजा से जुड़ी हर खास बात आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में कौन सी 14 पूजा सामग्रियां चढ़ाने भर से आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के कौन से पाठ करने से कुबेर देवता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दीपावली पूजा में किन बातों का ध्यान रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी। दीपावली पर माँ लक्ष्मी को कौन सा भोग लगाने से आपकी रूठी किस्मत भी मान जाएगी, ये सब कुछ आज आपको कालचक्र में बताने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। आज बहुत ही खास जानकारियां पंडित जी आपको देने वाले हैं, इसलिए अगले एक घंटे ध्यान से देखिए आज का दीपावली स्पेशल कालचक्र। आज हमने पूरी तैयारी कर रखी है। आज आपको जो गृहस्थ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नियम नहीं पता, विधि नहीं पता, आज बहुत आसान तरीके से आपको पंडित जी समझाने वाले हैं कैसे माँ की कृपा आज इस दीपावली के खास मौके पर किस विधि विधान से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा तरीका है। बहुत आसान तरीका पंडित जी आज आपको बताएंगे, जैसा कि तैयारी है आप देख सकते हैं। लेकिन पंडित जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है कारोबारी लोगों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए, जो अलग अलग समय है, सबसे शुभ कौन सा है, किन के लिए? देखिए, ध्यान से सुनिए, आज आपको किस मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अपने घर में करनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप व्यवसायी हैं तो किस समय आपको अपनी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर पूजा करनी चाहिए। आज प्रदोष काल में दीपावली पूजन करना बहुत शुभकारी होगा। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक का समय माना जाता है। आज सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ऐसे में प्रदोष काल शाम 4:51 से लेकर शाम 6:21 तक है और स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभकारी है। वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न है, वृषभ लग्न शाम 6:23 से
रात 8:19 तक है। और इसी तरह से सिंह लग्न भी स्थिर लग्न है। जो लोग निश्चित काल में सिंह लग्न में पूजा करते हैं, लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं, वो लोग रात 12:56 से मध्य रात्रि 3:10 तक पूजा करें। आज चौघड़िया मुहूर्त में भी कार्यस्थल, दुकान या घर में माँ महालक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। लाभ चौघड़िया दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक है। अमृत चौघड़िया शाम 5:36 से रात 7:14 तक है। चर चौघड़िया रात 7:14 से रात 8:51 तक है। इसमें भी अगर आपके पास समय उपलब्ध है तो इन समयों में भी आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आ जाते हैं सबसे अहम बात पर, जिसका आपको भी इंतजार होगा, कैसे करें मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न। तो पंडित जी, कौन सी सामग्री है जो चढ़ाना एक तरीके से अनिवार्य होता है माँ की पूजा में, और अगर आप अर्पित करते हैं तो माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, कौन सी सामग्रियाँ सबसे अहम एक एक करके, और उनका महत्व क्या है, और अगर ये सामग्रियाँ चढ़ाई जाती हैं तो फिर क्या परिवार पर क्या असर पड़ता है, उन्नति पर किस प्रकार का असर पड़ता है, तमाम चीज़ों पर आदमी का जीवन कैसे आगे बढ़ता है इनके माध्यम से। देखो, ऐसा है कि राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की पूजा मनुष्य अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करता है। जिसकी जैसी श्रद्धा और जितना सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार महालक्ष्मी का पूजन करता है। और महालक्ष्मी की पूजा सामर्थ्यवान और असमर्थ दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो, ये तो कर्मकांड है। जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी हैं, जिनके एक कृपा कटाक्ष से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, जो श्रीहरि के वामांग में रहती हैं, जिनके कृपा कटाक्ष से देवता भी संपन्नता को प्राप्त होते हैं, उन्हें हम भला किस वस्तु से प्रसन्न कर सकते हैं। ये तो हमारा भाव है, ये हमारी भावना है। जैसे प्रभु श्री राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उन्हें जूठी बेर से क्या मतलब, लेकिन उसमें सबरी की भावना छिपी हुई थी। भाव भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 प्रकार को ठुकरा करके और विदुरानी के केले के छिलके को खा लिया, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। भ्रिकुट बिलोकत सृष्टि लय हुई, जिनके एक संकल्प से ये सृष्टि पैदा हो जाती है और जिनके एक संकल्प से ये सृष्टि उनमें समाहित हो जाती है, उन्हें हम क्या देने लायक हैं, हम क्या चढ़ाने लायक हैं, हम क्या देने लायक हैं। ये तो भाव है हमारा, भाव ही विद्यते देवा, ये हमारा भाव है। तो ये हम अपने मन में ना सोचें कि हमारे पास अमुक सामग्री नहीं है, अमुक सामग्री होती तो लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती, अमुक सामग्री होती तो महालक्ष्मी अभी प्रसन्न हो जाती, ऐसा हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है। हाँ, अगर प्रभु ने सामर्थ्य दी है, महालक्ष्मी ने सामर्थ्य दी है, तब तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सामग्रियां घर ले आइए और पूरे उत्सव के साथ आप पूजा करिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही हैं तो उनको मन में सोचिए कि आप महालक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि मानसिक पूजा से बढ़ करके कोई पूजा नहीं होती है। बिल्कुल, यह हमेशा आपके मंदिर तीन है, एक मंदिर है घर में जो पूजा स्थान है, एक मंदिर है बाहर जहां हम जाते हैं देवालय में पूजा करने, और तीसरा मंदिर है हमारा मन मंदिर घट में। आप चाहे जितना मंदिर में जाइए और चाहे जितना अपने पूजा घर में पूजा कर लीजिए, अगर आप अपने मन मंदिर में नहीं जाते हैं तो आपकी सारी पूजा बेकार है। इसलिए इस मंदिर में भी जाने की कोशिश करिए, इंद्रियों को अंतर्मुख करके और यहाँ महालक्ष्मी को विराजमान करिए। एक सुंदर का कमल का फूल अपने हृदय पर खिलाइए और इस पे महालक्ष्मी को प्रसन्न मुद्रा में बैठते हुए देखिए और उसी भाव में डूबने की कोशिश करिए, तब आपकी सारी पूजा महालक्ष्मी स्वीकार कर लेंगी। महालक्ष्मी के उपासना में
ये देख रहे हैं आपको हमारे हाथ में साबुत धनिया दिखाई दे रही है। महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है साबुत धनिया। अगर आप साबुत धनिया महालक्ष्मी को समर्पित करें एक सुंदर सी कटोरी में रख करके, तो इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि धान की कील, ये देखिए धान जो होता है उसको आग में डाल करके जब भूना जाता है तो धान की कील धान से चिपकी रहती है, इसको कहते हैं धान की कील। आप शादी विवाह में भी देखे होंगे जहां मतलब कि लड़की का भाई लड़की के और लड़के के सामने लावा डालता है, वहां ये धान की कील ही होती है। चाहे जितना करोड़पति अरबपति आदमी हो, मखाने का लावा नहीं डलवाएगा, धान की कील ही डलवाएगा। इसका कारण जानते हैं क्या होता है? लड़की का भाई लड़के से कहता है बर से कि जैसे ये धान आग में भी गया तो इसकी भूसी ने इसका साथ नहीं छोड़ा, उसी तरह से तुम अग्नि जैसे संकट में भी यदि जाओगे तो ये मेरी बहन तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। इसीलिए धान की कील महालक्ष्मी को जरूर चढ़ाई जाती है। ये देख लीजिए मेरे हाथ में है धान की कील, आपके पूजा स्थान में होनी चाहिए। अब रही बात, आज तो संपन्नता सबके घरों में है और लगभग लगभग लोग सब कुछ करने लायक हैं, बहुत कम घर होंगे जहां अभाव होगा। ऐसे में पहले हमारे देश में सारी मिठाइयां नहीं बनती थी, तो उस समय से ही बतासे का प्रचलन है। ये बतासा को उबाल करके और छोटा छोटा कपड़े पर गिरा करके और फिर बतासा बनाया जाता है, और ये बड़ा शुद्ध होता है, सिर्फ इसमें चीनी होती है, कोई मिलावट नहीं होती है, और ये बड़ा हल्का भी होता है। तो एक तो ये सुगम है और दूसरे मतलब कि हर जगह प्राप्त है, माता को प्रिय है, इसलिए ये चढ़ाया जाता है। कुछ लोग चीनी के बने हुए खिलौने भी माता के सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद, इतना भोग प्रसाद करने के बाद, आप देख सकते हैं कि हमने मतलब कि कटोरी में गणेश जी का प्रिय, सबसे प्रिय लड्डू भी रखा हुआ है। गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे और माँ महालक्ष्मी को बढ़िया बर्फी का भोग लगाएंगे, ठीक है? और इसी तरह से जो और भी देवता होंगे उनकी पूजा कर लेंगे। अब इसके बाद एक पान के पत्ते पर आप देख सकते हैं, ये पान का पत्ता है। पान का पत्ता जो है ये महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो पान का पत्ता, इसमें आपको करना क्या है कि इस पान के पत्ते को ऐसे मोड़ करके बीड़ा बनाना है। देख रहे हैं ना, बीड़ा बन गया ना। अब ये देखिए मेरे पास लौंग है, ये लौंग आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये लौंग जो है इसको इसकी कली चुभो करके पान के पत्ते में इसकी कली हम ऐसे चुभो देंगे तो ये पान का बीड़ा जो है ऐसे बना हुआ रहेगा। अब इसको हम एक प्लेट में रख करके महालक्ष्मी के सामने और गणेश के सामने रखेंगे। तांबूलम मुख समर्पयामी, मतलब पान चढ़ाएंगे हम महालक्ष्मी को। तो पान का पत्ता कम से कम पूजा स्थान में 5-7-8 पत्ता होना चाहिए। अच्छा, इतना कर लेने के बाद थोड़ा सा जल रखेंगे माता को, और इसके बाद में लौंग इलायची चढ़ाने के बाद में तब आप क्या करेंगे कि आप कमल गट्टे की माला, ये देखिए महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं इस पर। मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ कि हर घर में, हर सनातनी के घर में 3 कमल गट्टे की माला होनी चाहिए। पूछे कहाँ कहाँ रहेगी? एक माला तो अपनी पूजा घर में एक कील लगाकर पूरब दिशा में टांग दीजिए, जो आपके घर में वैभव हर समय बनाए रखेगी। दूसरी माला कहाँ होनी चाहिए? दूसरी माला होनी चाहिए, इस माला को ऐसे फोल्ड करिए, इस माला को जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ ऐसे फोल्ड करिए। अब ये फोल्ड करके देखिए बन गया ना। अब चौकी पर इसको ऐसे रख दीजिए। अब इसके ऊपर, कमलगट्टे के ऊपर आप श्रीयंत्र या महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए, फिर इसका चमत्कार आप देख लीजिए। अगर आपके पास कमलगट्टे की, ये कमल का बीज ही कमलगट्टा होता है, इससे महालक्ष्मी का अर्चन भी होता है,
और तीसरा कमल गट्टे का माला कहाँ होगा? आपके जपमाली में, जिस माला पर आप जप करेंगे महालक्ष्मी के मंत्रों का। तो तीन कमल गट्टे की माला अगर आप दिवाली पर लाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ा काम करने में सिर्फ दीपावली पर पंडित जी कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल हो, हर समय होता है बेटा, लेकिन दीपावली पर जो किया गया इस्तेमाल है ये पूरे साल आपको इस्तेमाल करने की इजाजत देता है जब तक ये माला खराब ना हो जाए। मतलब जो जाप रेगुलर भी किया जाता है किसी भी दिन साल के, हाँ, लक्ष्मी के मंत्रों का जप कमल गट्टा के माला पर ही किया जाता है। बाकी सारे जप रुद्राक्ष की माला पर किए जा सकते हैं, भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप तुलसी की माला पर किया जाता है, लेकिन माँ महालक्ष्मी और देवियों के मंत्रों का जप कमल गट्टे की माला पर होता है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि आसन के लिए आप कमल गट्टे का प्रयोग कर सकते हैं, श्रीयंत्र रखने के लिए, महालक्ष्मी को स्थापित करने के लिए, लेकिन अब मैं इसको रखता हूँ, अगर भगवान की कृपा से आपको कमल का फूल मिल गया है तो देखो इसकी पंखुड़ियों को ऐसे खोलिए, ठीक है, और खूब बढ़िया से श्रीयंत्र का जब आपने पूजा कर लिया या महालक्ष्मी की प्रतिमा का पूजा कर लिया और धातु की महालक्ष्मी है, तो एक कटोरी में या सिंहासन पर इस कमल के फूल की डंडी काट करके इसको रख दीजिए और इसी के ऊपर आप श्रीयंत्र या महालक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान कर दीजिए। फिर देखिए ना जीवन कैसे आनंदित हो जाता है, फिर देखिए आपके मन में कैसे आह्लाद होता है। और अगर आपके पास दो कमल के फूल हैं तो भगवान गणेश को भी कमल के फूल पर विराजमान कराइए, क्योंकि गणेश जी का जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान चतुर्दल पीले कमल के फूल पर, गणेश जी का पीताम्बर में ध्यान किया जाता है, ये त्रिपुर सुंदरी की साधना में भी बताया गया है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि कमल के फूल को भी हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद गाय के गोबर की भी आवश्यकता होती है। गाय के गोबर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि महालक्ष्मी के मानस पुत्र हैं गणेश, लेकिन गणेश गौरी की स्थापना हर पूजा में होती है। गणेश माने गणेश आप जान ही रहे, गौरी माने माँ पार्वती, और उनकी स्थापना गाय के गोबर से ही होती है। गाय के गोबर को एक गौरी का रूप बना करके और भगवान गणेश के बाईं तरफ उनको रखा जाता है, पूजा करने वाले के दाहिनी तरफ एक सुपारी पर गणेश जी की स्थापना की जाती है और बाईं तरफ गौरी की स्थापना की जाती है। और खूब स्वादिष्ट चावल की खीर बनाइए और उसको कटोरी में भर करके, दो कटोरी में, एक गणेश जी के लिए एक लक्ष्मी जी के लिए, अगर सामर्थ्य है तो चांदी की कटोरी में, सामर्थ्य है तो चांदी का चम्मच डाल करके आप ओम नाभ्यासी अंतरिक्ष गंगण उद्योग समवर्तता प्रभ्याम भूमिर्दिशा स्रोता था लोका अकल्पयन नैवेद्यम निवेदयामी, ऐसे आप समर्पित करिए। और चावल की खीर कलश, अच्छा अब चावल की खीर का जब आप प्रयोग कर लें तो इसके पहले ही आपको चाहिए कि पंच पल्लव बने, पांच प्रकार का पल्लव, जिसमें आम, अशोक, बट, पाकर, गूलर, ये पांच प्रकार के पेड़ों की पत्तियां पंच पल्लव कही जाती हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ये पांच चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो केवल आम का पल्लव मिल जाए या अशोक का पल्लव मिल जाए तो उसका आपको अपने घर के दरवाजे पर तोरण बनाना चाहिए और कलश में भी वो आपको स्थापित करना चाहिए। ये इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब एक बहुत जरूरी प्रश्न जो बहुत सारे दर्शक हमारे पंडित जी जानना भी चाहते थे, वो ये जानना चाहते थे कि दीपावली पे अगर मान लीजिए, क्योंकि हम स्थापित तो कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश लाते हैं, बड़े भाव के साथ स्थापित करते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से स्थापना नहीं हुई है, हम आवाहन भी कर रहे हैं लेकिन श्री गणेश लक्ष्मी का सही तरीके से उनकी स्थापना नहीं हुई है, एक तो मूर्ति कैसी होनी चाहिए, दूसरा ये भी, तो क्या पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है? प्रतिमा कैसी होनी चाहिए इसको लेकर भी जानकारी दीजिए, किस प्रकार की प्रतिमा लाएं, सबसे उत्तम क्या रहता है? देखो मूर्ति रहस्य में दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, जानता जानता वापी, जानता अजानता वापी, बलि पूजा प्रतिकृता, मतलब आप ज्ञान द्वारा या अज्ञान द्वारा अगर भक्ति से ओतप्रोत हो करके आप पूजा कर रहे हैं तो माँ है, महालक्ष्मी माँ है, भगवान गणेश जो है ये आपके अभिभावक हैं।
अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परह सहते लोके केवलम मात्रम बिना। अज्ञानी और अबोध की सारी गलतियां माफ कर देते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना कि ये तो दोधारी तलवार है, कर्मकांड दोधारी तलवार है। कर्मकांड दोधारी तलवार है। जब आप किसी उद्देश्य के लिए कोई संकल्प करके और कोई कार्य करते हैं और उसमें आप शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तब मतलब ये दुधारी तलवार है, तब ये आपके लक्ष्य को भी भेद सकती है और उल्टा भी चल सकती है। लेकिन अगर आप स्वांतः सुखाय के लिए अपने ऊपर उनके अनुग्रह के लिए आप कर रहे हैं और कोई विशेष संकल्प आपका नहीं है, ठीक है, तो वहां ये नियम नहीं लागू होगा। ठीक है, सवरी सेवा भाव से बिना कुछ याचना के भगवान राम को बैर खिला रही है तो उसका कोई संकल्प नहीं है, उसे कुछ चाहिए नहीं, वो केवल सेवा भाव से कर रही है। इसी तरह से लक्ष्मी और गणेश के निमित्त जो सेवा भाव से पूजा करेंगे, हमें पूजा करनी चाहिए। जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी सब कुछ जानती हैं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये उनकी इच्छा है, मैं हर जगह झोली फैला के खड़ा नहीं रहूंगा। तो कहने का मतलब पद्मासनस्थाम ये लक्ष्मी के लिए शब्द प्रयोग होता है। पद्मासन कमल का आसन पर जो विराजमान है, पद्महस्ता यानी हाथ में जिनके कमल का फूल है, ऐसी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आपके घर में होनी चाहिए। ठीक है, अब कमल किस तरह का हो? अरुण कमल संस्थाम यानी कमल खिला हुआ, पिंक कलर का या लाल रंग का कमल हो। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर कमल पर बैठी हुई होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। खड़ी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा घर में भूल करके भी स्थापित मत करिएगा। ये प्रतिमा स्थापित हो सकती है, खड़ी प्रतिमा, आपके व्यवसायिक स्थल पर, आपके फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में, लेकिन घर में जहां आप निवास करते हैं वहां कमल पर बैठी हुई महालक्ष्मी को ही आपको स्थापित करना चाहिए। दूसरी बात, माँ के वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो माँ के वस्त्र का रंग सफेद, लाल, गुलाबी या पीला हो सकता है, लेकिन मैं अगर सच्ची बात बताऊं कि कैसा रंग होना चाहिए तो मेरी छाती की बात पूछिए। केसर से रंगा हुआ, रेशम का केसर से रंगा हुआ माता का वस्त्र परिधान होना चाहिए। और अगर आप मानसिक पूजा करते हैं तो आप अपने मन में कल्पना करिए कि 10 सुंदर सुंदर 12-12 साल की गंधर्व कन्याएं दोनों हाथों को फैलाए हुए और केसर से रंगी हुई रेशमी साड़ी लेकर के माता के सामने खड़ी हैं और विनय कर रही हैं कि माता इस वस्त्र को आप धारण कर लें, और माता उसमें से एक वस्त्र उठा करके और धारण करती हैं। ऐसा मनोभाव आपका होना चाहिए। माता को ये परम प्रिय है केसर से रंगा हुआ वस्त्र, केसर से रंगा हुआ वस्त्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। बस अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। वैसे पंडित जी, जो सबसे खास बात होती है आपकी पूजा में, जब भी आप बताते हैं, कोई विधि बताएं, कोई सामग्री बताएं या जो भी तौर तरीका आप बताते हैं, उसमें सबसे खास बात ये होती है कि आप जो भाव है उसको सर्वोपरि रखते हैं। और वैसा ही कहा जाता है, क्योंकि हम ये भी मान के चलते हैं कि ईश्वर जो है उनके कुछ अत्यंत प्रिय भोग होते हैं, उस अनुसार जैसे भगवान श्री गणेश को मोदक बड़े पसंद है, अति प्रिय है, तो वो चढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार भी जैसे आपने खील का जिक्र किया कि ये तो चढ़ता ही चढ़ता है माता लक्ष्मी को, तो भोग किस प्रकार का होना चाहिए? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मन में है कि सबसे जो उत्तम भोग हो माता को वो प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, तो पंडित जी कौन सा भोग सर्वोत्तम होता है? दूसरी चीज, लेकिन अगर कुछ मनोकामनाएं हैं मन में, उस अनुसार भी, या फिर घर में रोग है, दुख है, किसी भी प्रकार की पीड़ा है, उस अनुसार भी कोई भोग चढ़ाया जा सकता है क्या, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु? ऐसा होता है क्या? देखो, ऐसा है, उद्देश्य अगर है तो दीपावली की रात माँ लक्ष्मी को लौंग, इलायची, दूध, मावा और शक्कर का भोग लगाया जाता है।
चांदी की कटोरी में साबूदाने या चावल की खीर बना करके भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को श्रीफल कहते हैं, नारियल को, नारियल का भी भोग लगाया जाता है। माँ लक्ष्मी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल, पानी वाला नारियल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सिंघाड़ा, अनार, शरीफा या गन्ना भी माँ लक्ष्मी को आप भोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। बतासे भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में आप पान का उपयोग जरूर करें। आंवला, तुलसी, सुपारी, इलायची और कमलगट्टा ये भी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हो सके तो इनको भी आप अर्पित करें। और एक बात ध्यान जान लीजिए, अगर आपको सामान्य सुख चाहिए तो आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर माता की प्रतिमा का या गणेश जी की प्रतिमा का अभिषेक, गणेश जी का अभिषेक पुरुष सूक्त को बोलकर, महालक्ष्मी का अभिषेक श्री सूक्त से बोलकर कर दीजिए। अगर आपको संतान चाहिए या संतान है उससे किसी तरह से आपको तकलीफ है या संतान है वो अस्वस्थ है तो आपको गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए, श्री सूक्तम के द्वारा लक्ष्मी का और पुरुष सूक्तम के द्वारा गणेश का। अगर आपको धन चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करिए। अगर रोग समाप्त करना है परिवार का तो शहद से अभिषेक करिए। अगर आपको चर्मरोग खत्म करना है तो दही से अभिषेक करिए। अगर आपको सुंदरता पानी है, यश कीर्ति बढ़ानी है तो गाय के पिघले हुए घी से अभिषेक करके देख लीजिए। आपकी अगर दिवाली के दिन ये अभिषेक आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और लक्ष्मी गणेश की उपासना करनी चाहिए। दीपावली की रात, क्या मतलब कि दीपावली की रात एक ऐसी रात होकर के आती है हम लोगों के लिए जिसमें हम अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ दीपावली की पूरी रात नहीं सोना चाहिए, पूरी रात महालक्ष्मी की कृपा के लिए हमें पूजा पाठ में तन्मय रहना चाहिए। जब ज़्यादा थकान या ज़्यादा नींद सताए तो चाय बनवा करके आधा कप पी लेना चाहिए, लेकिन डट करके रात में पूजा करना चाहिए और माता से कहना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूँ, जैसे अपने पुत्र को रखा जाता है वैसे आप रख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपकी पुत्री हूँ। और पुत्री के साथ इतनी देर कृपा करने में नहीं लगाया जाता है, तो बस मैं तो आपकी शरणागत हूँ, जैसे चाहिए वैसे रखिए, बस यही सब कहना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। दीपावली पर अलग अलग उपायों का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में अगर आप अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं संपन्नता मिले, तो तिजोरी में कौन सा खास चीज आप रख सकते हैं? बहुत अचूक सा उपाय है जो पंडित जी आपको बताने वाले हैं। पंडित जी कौन सा उपाय है, क्या करें? वैसे दीपावली पर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने घर में रखने से फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल स्थापित करके उसकी भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में कमल का फूल बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए और कम से कम इसे 2-3 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। इससे भी आपके यहाँ धन का संकट समाप्त होगा, इससे भी आपका जीवन खुशहाल होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर जीवन में धन से जुड़े संकट का किसी भी प्रकार से आप सामना कर रहे हैं तो इससे मुक्त होने के लिए दीपावली पर तिजोरी में क्या रखें, ये बड़ा अचूक उपाय है पंडित जी आपको बताने वाले हैं। पंडित जी क्या करें? देखिए, दीपावली की रात माँ लक्ष्मी और श्री गणेश का पूजन करते समय शंख की भी पूजा की जाती है, खास करके दक्षिणावर्ती शंख की। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो इसे लाल कपड़े में एक दक्षिणावर्ती शंख लपेटकर आप इसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन एक आपके पूजा स्थान में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही है तो आपने तिजोरी में रख दिया, दो होंगे तब। और नहीं, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको एक मोती शंख पूजा करके अगर दिवाली की रात तिजोरी में रख लिया जाए फिर इसका कुछ अद्भुत चमत्कार है, कहने की बात नहीं है। मोती शंख थोड़ा दुष्प्राप्त है, मिलना इसका कठिन है, लेकिन मोती शंख अगर ओरिजिनल मिल जाए और ये दिवाली के दिन तिजोरी में रख लिया जाए तो वैभव की कभी कोई कमी नहीं होगी। जय माँ विंध्यवासिनी।
और क्या आप जानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से आपके काम में रुकावटें आ रही हैं तो दीपावली पर बहुत खास उपाय आप कर सकते हैं, वो बताएंगे आपको पंडित जी। पंडित जी, तिजोरी से जुड़ा कौन सा ऐसा उपाय है जो काम बना देगा? तिजोरी से जुड़ा एक सबसे बड़ा उपाय है कि आप महालक्ष्मी की चरण पादुका आप मतलब कि जो है अपने उसमें रख लीजिए तिजोरी में, और पीला त्रिकोण झंडा विष्णु मंदिर में चढ़ा दीजिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद केसर को गंगा जल में घोलकर उसके छींटे अपनी तिजोरी में दे दीजिए। चंदन का इत्र और एक चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इन सब चीज़ों से भी आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। माता लक्ष्मी अगर प्रसन्न नहीं है तो कारोबार में भी दिक्कत आएगी, उसमें भी नुकसान होगा, नौकरी भी ठीक से नहीं चल पाएगी, क्योंकि सब कुछ आपकी आय से जुड़ा हुआ है। ऐसे में दीपावली पर इससे भी जुड़ा खास उपाय आप आजमा सकते हैं। पंडित जी, तिजोरी से जुड़ा वो कौन सा उपाय है जो इसमें भी अचूक साबित होता है? देखो, तिजोरी के साथ साथ एक और उपाय बताना चाहूंगा आशा जी। आज सभी लोगों को ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख करके अपने घर से सारी ऐसी चीजें निकाल बाहर करना है जिसे आप भविष्य में प्रयोग नहीं करेंगे। वो चाहे टूटे हुए जूते चप्पल हों, चाहे बंद हुई घड़ियां हों, चाहे टूटे हुए बर्तन हों, और चाहे न यूज में आने वाले कपड़े हों, सब घर से निकाल करके एकदम निष्ठुरता के साथ उसको बाहर करिए और नेकी घर में ले जाके रख दीजिए। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 11 नारियल आप लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद रेशमी कपड़े में कस्तूरी बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इन चीज़ों का भी लाभ आपको मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कुछ और ख़ास बातें जो मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं दीपावली की रात, तो उस दौरान हम सिर्फ उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं, तो सिर्फ लक्ष्मी गणेश की ही उपासना होनी चाहिए या फिर जो अन्य देवी देवता हैं उनका भी आवाहन हो जाता है उनकी उपासना से जब आप उनको आवाहित करते हैं उसके माध्यम से, या कुछ गलतियां हम कर रहे होते हैं उस दौरान, उस पूजा के दौरान क्या होना चाहिए, नियम क्या कहते हैं? देखो, ऐसा है जैसे मतलब कि शिवरात्रि पर जो मतलब शिवरात्रि के मुख्य देवता होते हैं वो भगवान शिव होते हैं, रामनवमी पर मुख्य देवता भगवान श्री राम होते हैं, ठीक है, उस नवरात्रों में मुख्य माता होती हैं, उसी तरह से दिवाली पर जो है लक्ष्मी और गणेश ये मुख्य देवता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि केवल आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, आपको अपने पूजा स्थान में एक मिट्टी के करवे में चावल भर करके उस पे एक सुपारी पर कलावा लपेट करके और एक गाय के गोबर की गौरी रख करके गणेश गौरी भी बनाना पड़ेगा, और एक करवे में चावल भर कर सुपारी पर कलावा लपेट करके और उस पर आपको नवग्रह स्थापित करना पड़ेगा, एक मिट्टी के कलश में जल भर कर उसके ऊपर पंच पल्लव लगा करके और मिट्टी के करवे में चावल भर करके और उसके ऊपर एक नारियल लपेट करके आपको रख करके वरुण कलश की स्थापना करनी पड़ेगी और तब चौकी के ऊपर लक्ष्मी गणेश की स्थापना। तो पंडित जी, इतने तो नियम नहीं आते किसी भी आप इंसान को? देखिए, अक्सर लोग होता क्या है कि अपने घरों में पूजा करने के लिए किसी न किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, ठीक है, और जो लोग नहीं बुला सकते हैं उनको इतनी स्थापना करने की जरूरत भी नहीं है, तो आप दीपावली की शाम को ब्रह्मांड में लक्ष्मी पंचायतन का आगमन होता है, श्री विष्णु, इंद्र, देव, कुबेर, श्री गजेंद्र और लक्ष्मी, इस पंचायतन के तत्व हैं इनके। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी के साथ साथ आपको भी इनकी पूजा करनी चाहिए। कुबेर प्रत्यक्ष धन देते हैं, इसका कारण है ये महालक्ष्मी के सचिव हैं और धन का संग्रह भी कराते हैं, इसीलिए इन्हें कोषाध्यक्ष कहते हैं। किसके कोषाध्यक्ष हैं? जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी के सचिव हैं, सचिव। अगर आपके पास पैसा कमाने की कला तो है लेकिन इसको बचाना नहीं जानते हैं तो आपको कुबेर देवता की उपासना जरूर करनी चाहिए। गजेंद्र, जो हाथियां लक्ष्मी जी के साथ आपको दिखाई देती हैं, वो संपत्ति और धन को लेकर के निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। इंद्र ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करने वाला देवता है, इंद्र की भी पूजा होती है। विष्णु सुख और संतुष्टि देते हैं, माँ लक्ष्मी इन सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए
ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये पंचायतन, इन पांच देवताओं की भी पूजा होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। अगर आप अच्छे से और पूजा करना चाहते हैं तो आपको कुबेर यंत्र भी स्थापित करना चाहिए, श्री यंत्र भी स्थापित करना चाहिए, हो सके तो लक्ष्मी की चरण पादुका भी पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। अगर आपको मिल जाए तो 11 गोमती चक्र भी अपने पूजा स्थान में रख लीजिए, 5 कौड़ियाँ भी अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। और इन सब का पूजा करने के बाद अगर आप इन्हें अपने तिजोरी में द्वितीया के दिन रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे साल माला माल रहेंगे। लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त या अष्टलक्ष्मी का जो मंत्र है वो जरूर करना चाहिए, इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, अभी आपने जैसे श्री सूक्त का जिक्र किया, इसके पहले निश्चित काल में बताया कौन सा मंत्र जपना है, बड़ा सिद्ध मंत्र, ये तमाम चीजें, लेकिन दीपावली पर कौन सा एक पाठ आप बताएंगे दर्शकों को कि ये एक पाठ कर लीजिए तो उत्तम ही उत्तम है? जैसे कई बार आप कनक धारा स्त्रोत बताते हैं, तो ये पाठ करें या कोई अन्य पाठ, आज आप क्या सुझाव देंगे, क्या करें? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि चाहे पूजन सामग्री आपके पास कम हो या ज्यादा हो, दीपावली की रात आपको कम से कम कनक धारा स्त्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का, लक्ष्मी सूक्त का और श्री सूक्तम का और अष्ट लक्ष्मी मंत्र का कम से कम एक एक बार पाठ तो जरूर करना चाहिए। और यदि किसी कुमारी कन्या से आपने 16 बार श्री सूक्त और 16 बार कनक धारा का स्त्रोत का पाठ अपने घर में करवा लिया जी, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपके वैभव में 4 चांद लग जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पाठ करने से क्या होता है पंडित जी? पाठ करने से शक्तियों का आवाहन होता है, वो दैवी शक्तियां जो है आवाहित होती हैं और वहां वो शक्तियां विराजमान होती हैं। साउंड एनर्जी जो है, ये ध्वनि की एनर्जी ऐसी है कि रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब भरत जी भैया राम से मिलने के लिए चित्रकूट की तरफ प्रयागराज से प्रस्थान करते हैं तो उनके सीताराम सीताराम संकीर्तन से जो पत्थर थे ना, वो भी मोम की तरह पिघलने लगे। तो ये नाम संकीर्तन में और ये मतलब कि मंत्रों के प्रवाह में ताकत है। तो मतलब बोलते हुए पढ़ना चाहिए, उसकी आवाज खुद भी आप सुने ठीक है। जब आप सीधा देखो, किसी भी मंत्र को 4 प्रकार से पढ़ा जाता है, ये साधकों के लिए बता रहा हूँ। पहला बैखरी, माने बैखरी माने बाणी बोलकर। दूसरा मध्यमा, हम बोलें और धीरे से सुनाई पड़े। तीसरा पश्यति, मतलब हम बोलें ना, कंठ के नीचे से मानसिक रूप से वो मंत्र चलता रहे, उसको कहते हैं पश्यति। और तीसरा परा, परा मतलब जो सिद्धावस्था होती है व्यक्ति की, वो परावस्था है। इसमें मूलाधार चक्र से रेक्टम के पास, गुदा मार्ग के पास जो मूलाधार चक्र है वहां से ध्वनि निकलती है और ये सिद्ध व्यक्ति की स्थिति होती है, जिसको तत्वबोध हो जाता है उसकी स्थिति होती है, वो परा में स्थित होता है। आप वो जैसे कुछ भी करते रहे गृहस्थों को, हाँ, कि पाठ करिए, तो वो कैसे करें? हाँ, गृहस्थों को बोल बोल करके पाठ करना चाहिए, खूब ऊर्जा से भर भर कर पाठ करना चाहिए और एकदम उत्साह से युक्त होकर के पाठ करना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के पाठ करना चाहिए। घर के लोगों को बैठा लें तो और बेहतर। हाँ, जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना बढ़िया कर लीजिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। और अब क्योंकि माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है ये तो पंडित जी आपको बता ही रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं, लेकिन पंडित जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आज घर से दरिद्रता को कैसे दूर भगाएं? अलक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी को तो बुला लिया लेकिन अलक्ष्मी, उनको कैसे दूर करें आज घर से, कि बस अब तक थी, जानती हो अलक्ष्मी कौन है? जी, उनकी बहन है। उनकी बहन है जी, लक्ष्मी की बड़ी बहन जो है वो अलक्ष्मी है। ठीक है, अलक्ष्मी नाशयाम्यहम, ये मतलब कि जो है श्री सूक्तम में पाठ आता है। ठीक है, अच्छा। तो जब लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनों की विदाई होने लगी,
लक्ष्मी की विदाई श्री विष्णु के साथ और अलक्ष्मी की विदाई वासुदेव के साथ। अच्छा, ठीक है। तो लक्ष्मी, तो वासुदेव के साथ विदाई हुई तो वो कौन, देवकी हुई? नहीं नहीं, फिर वासुदेव वो तो वसुदेव थे। ये वासुदेव ही मतलब कि जो है जो पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। अच्छा, वो वासुदेव है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अलक्ष्मी मतलब तो वो भी पूजे जाते हैं। हाँ, ज्येष्ठा लक्ष्मी, वो कैसे दरिद्रता, ज्येष्ठा लक्ष्मी रोने लगी। अच्छा, कि मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ मेरा अपमान होगा। क्यों? कोई मेरा आवाहन नहीं करेगा, कोई मेरा पूजन नहीं करेगा, कोई मेरा ध्यान नहीं करेगा, क्योंकि मैं दरिद्री हूँ। मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ विपन्नता पैदा करूंगी, तो कैसे मेरी पूजा होगी? तो लक्ष्मी ने ढाढ़स बनाते हुए नहीं, बल्कि पूर्ण आश्वस्त करते हुए कहा कि बहन चिंता मत करो, जो तुम्हारे पति के पास अर्थात तुम्हारे गृह पर अर्थात पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम पूजन करेगा, दीपक जलाएगा, तुम्हारे पति की परिक्रमा करेगा और तुम्हारे पति के पास बैठ करके पीपल के पेड़ की उपासना करेगा, उसके घर मैं बिना योग्यता और पात्रता देखे चली जाऊंगी। मैं बिना उसकी योग्यता और पात्रता देखे उसके घर चली जाऊंगी, इसलिए को तेरे दरवाजे पर आया है। शायद मेरे दरवाजे पाता तो मैं सोचती कि इसकी योग्यता पात्रता है कि नहीं, लेकिन वो मेरी बड़ी बहन के दरवाजे पर आया है, इसलिए उसकी मनोकामना तो मैं जरूर पूरा करूंगा। शनिवार की शाम, इसीलिए शनिवार को पूरे हिंदुस्तान में पीपल के पेड़ की पूजा का विधान है। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाना, पीपल की परिक्रमा करना, पीपल में कच्चे सूत लपेटना, पीपल की मान्यता अपने हृदय में ज्यादा रखना, ये सब चीज जो है वो अलक्ष्मी को दूर करना और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। दीपावली की रात लक्ष्मी का आवाहन कैसे करें ये तो सभी बताते हैं, लेकिन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को कैसे घर से निकालें ये भी जो है जानने का विषय है। जिस प्रकार लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसी प्रकार दरिद्रता यानी अलक्ष्मी का भी समन करने के लिए प्रयास होता है। इसके लिए दीपावली पर एक नई झाड़ू आपको घर खरीद के लाना चाहिए, इसे लक्ष्मी कहते हैं। मध्यरात्रि में उस झाड़ू से घर को साफ करना चाहिए। मध्यरात्रि में रज और तम ये बढ़ा रहता है। कचरा रज और तम प्रधान होने के कारण वातावरण में मौजूद रज तम को अपनी ओर आकर्षित करता है। कूड़ा कचरा एक बर्तन में इकट्ठा करके बाहर फेंक दें, इसे अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को घर से बाहर निकालना कहते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना आसा, तो उस समय मतलब कि दिवाली की रात में लगभग 4 से 5 बजे भोर में घर की मतलब कि महिलाएं, एक ही महिला, महिलाएं का मतलब हाँ, यहाँ बहुवचन में नहीं है, घर अन्य घरों की महिलाएं भी जी, जी। एक सूप ले लेती थी। सूप, सूप समझती हो हाँ, ना फटकते हैं जिसमें, हाँ, तो वो सूप लोहे वाला सूप नहीं हाँ, वो मांस जो वाला, मांस वाला सूप, तो सूप ले करके एक डंडे से उस पे बजाती थी और कहती थी ईश्वर बैठे दरिद्र भागे, ईश्वर बैठे दरिद्र भागे, ईश्वर अच्छा। बैठे दरिद्र भागे, मतलब घर के कोने कोने में सूप बजाती थी। कोई ऐसा स्थान नहीं बचता था जहां ना बजाती हूँ। और फिर उसको ले जा करके मतलब कि बस्ती से दक्षिण दिशा में उस सूप को कहीं एकांत स्थान पर फेंक करके चली आती थी। पहले दरिद्र अच्छा। निसारणम, दरिद्र को निकालने का एक तरीका हमारे बचपन से जो मैंने देखा है वो ये है। ठीक है, अब नहीं होता ये जी। अब नहीं होता है, गाँव में होता अच्छा। है, गाँव में तो अभी भी होता है, गाँव में अभी भी होता है। और गाँव में एक और मिथक था, पहले एक बीमारी होती थी पुरुषों में, ज्यादा लड़कियों में भी होती, सेहुआ। ये सेहुआ ऐसी बीमारी होती थी कि त्वचा कहीं कहीं जो है हल्की सी सफेद जैसी हो जाती थी। अच्छा। किसी के सीने पर, किसी के हाथ में, किसी के पेट पर। तो इसके बारे में मान्यता थी कि अगर जो सूप महिलाएं लेकर जाती हैं वो सूप लेकर के अगर आप जला करके उसे अपना हाथ सेक लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। तो कुछ महिलाओं का मतलब कि सूप जो है कुछ शरारती बच्चे छीन लेते थे तो उसमें खूब गालियां देती थी और वो अपना जला करके कहते थे कि हाँ मेरा ठीक हो गया। अच्छा। तो ये सब था प्राचीन हाँ, भारत में। ये सब बातें मैं 50 साल पहले की बता रहा हूँ, आज की बातें नहीं है। देश काल के हिसाब से सभ्यता और संस्कृति बदलती है, लेकिन हमारा भारत ऐसे ही था। बिल्कुल, और बहुत अच्छा भारत था। बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी, यही खूबसूरती है त्योहारों की भी, यही खूबसूरती होती है।
और अगर आपको लगता है कि आपके घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि कोसों दूर है आपके घर से, तो फिर आप माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, तिजोरी से जुड़ा कौन सा उपाय ऐसा है जो आज के दिन आप आजमा सकते हैं? पंडित जी, सुख समृद्धि भी मिले, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहे, कैसे होगा? देखिए, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आप अपना आत्मचिंतन करें, आप ये देखें कि क्या आपका खान पान ठीक है, क्या आप दूसरों की भलाई सोचते हैं, क्या आप दूसरों का बुरा नहीं करते हैं, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्या आप अपने माता पिता के प्रति अच्छा बर्ताव करते हैं, क्या अपने भाई बहनों के साथ आपको प्रेम है, क्या अपने पत्नी का सम्मान आप करते हैं, क्या अपने पति का सम्मान आप करती हैं। तो कहने का मतलब आप पहले अपना आत्मचिंतन करें, और अगर सब प्रकार से सब कुछ ठीक है तो महालक्ष्मी एक फूल में मान जाएंगी और आपके ऊपर अपना कृपा दृष्टि कर देंगी। लेकिन चाहे जितनी पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर आपके आचरण, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी सोच पवित्र नहीं है, फिर बात नहीं बनेगी। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद चांदी के सिक्के पर कुमकुम, चावल और हल्दी लगा करके लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखिए, और किसी मंदिर में अनाज भी दान करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और माता लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो, धन अगर कहीं फंसा हुआ है, मिलने में अड़चन आ रही है तो वो दूर हो, शादी में तक आ रही बाधाएं रुकावटें खत्म हो, इसके लिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का महा उपाय क्या है? पंडित जी, कौन सा उपाय है जो इन तमाम चीज़ों, इन तमाम परेशानियों से मुक्ति दिलाए? देखिए, अगर काफ़ी समय से कहीं पैसा फंसा हुआ है तो रात आग की रुई की बत्ती दीपक में डालकर अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में जलाइए। दिया कम से कम 3 दिए जलाइए या 5 दिए जलाइए। शादी में अगर रुकावट आ रही है तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। पीला कपड़ा, पीली मिठाई, पीले फल अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद नारियल पर चंदन का इत्र लगाकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ये सब उपाय इन चीज़ों में लाभदायक होंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। और आप जानते हैं कि कार्तिक का मास भी शुरू हो चुका है, दीपावली भी है, तो ऐसे में कार्तिक मास में और दीपावली पर दीप दान करने का क्या महत्व है? पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में दीप दान करिए, बड़ा शुभ फलकारी होता है, वाकई, और ये क्यों है? ऐसा मान्यता सही है या गलत है? कार्तिक मास में हर दिन दीप दान करने का बहुत महत्व है। पद्म पुराण के उत्तरकांड में कार्तिक में दीप दान की तुलना अश्वमेध यज्ञ से की गई है। कार्तिक मास में घी, सरसों और तिल के तेल का दीपक जलाने का बहुत महत्व है। अग्नि पुराण के अनुसार दीप दान से बढ़कर ना कोई व्रत है, न था और ना ही होगा। कार्तिक में दीप दान करने से पितरों का मार्ग भी प्रशस्त होता है। कार्तिक मास में मंदिर में, गौशाला में, पेड़ के नीचे, तुलसी के सामने, नदी के किनारे, आप जहाँ कहीं भी दीप जलाएंगे, अपने घर पर, अपने घर की छत पर, अपने पूजा घर में दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। और अग्नि पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य मंदिर में दीप दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी की प्रसन्नता होती है। जो लोग दीपावली पर 108 दिए गंगा जी के किनारे जला देते हैं, आप विश्वास करिए, चाहे हर पूजा करके आप थक गए हैं, आपकी दरिद्रता नहीं गई है, लेकिन यदि आप गंगा जी के तट पर 108 दिए दीपावली की शाम जला दें तो विश्वास करिए, आपका दरिद्र जलकर नष्ट हो जाएगा। निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ गंगा जी के किनारे 108 दिए आप जला दीजिए और श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी और गंगा माता को प्रणाम करिए, इससे ही सारा दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। दीपावली की रात घर में कितने दीपक जलाने चाहिए और इन सभी दीपक को घर के किन किन कोनों में रखा जाना चाहिए और हर दीपक की दिशा क्या महत्वपूर्ण होती है, आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है जब आप सब कुछ विधि विधान से कर रहे हैं। तो पंडित जी, कितने दीपक, एक तो जब हम दिए जलाते हैं, कितने दीपक किन के नाम पर निकाले जाने चाहिए, घर के किन किन कोनों में वो पक्का स्थापित होने चाहिए?
सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। देखिए दीपावली पर सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित करें, भगवान गणेश और महालक्ष्मी के सामने दीप प्रज्वलित करें, और उसके बाद घर के ब्रह्म स्थान में महिलाओं को चाहिए कि बैठ करके सज धज कर बैठ करके, ऐसे नहीं कि आप अपवित्र अवस्था में और जो चाहे हैं वही पहन के, ना ना, उसके पहले खूब सज धज करके बैठिए और एक बड़ी सी थाली लीजिए और खूब दिए में तेल भर करके या घी भर करके बत्ती डाल करके, सब लेटी हुई बत्तियां डालिएगा, खड़ी बत्तियां गिर जाएंगी, और वहीं से मतलब कि दीपक जला करके थाली में रखिए और थाली को उठा करके ईशान कोण से शुरू करके अपने घर के चारों दिशाओं में, यदि बालकनी वगैरह की व्यवस्था है तो अच्छी बात है, अगर छत आपका है तो छत पर जा करके ईशान कोण से शुरू करके दक्षिण दिशा में जाते हुए फिर पश्चिम दिशा में फिर उत्तर दिशा में जाते हुए फिर ईशान कोण की तरफ आइए और दो दो फीट की दूरी पर दीपक जलाइए। मैं कौन होता हूँ दीपक का संख्या बता करके पाप लेने वाला? आप हो सकता है 100 दीपक जलाना चाहते हो, मैं कह दूं 20 जलाइए तो उसका 80 का पाप मेरे ऊपर जाएगा। तो आप जितने अधिक से अधिक दीपक जला सकते हैं जलाइए, शास्त्र में कोई रोक नहीं है, लेकिन पहला दीपक ईशान कोण में जलाइए, ईशान कोण माने नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, और फिर वहाँ से बढ़िए तो आप दक्षिण दिशा में बढ़िए, फिर दक्षिण जहाँ समाप्त हो जाए वहाँ से पश्चिम दिशा में बढ़िए, फिर पश्चिम जहाँ समाप्त हो जाए वहाँ से उत्तर दिशा में बढ़िए, फिर उत्तर से आप सीधे ईशान कोण में आइए, और इस तरह से दीपक से एकदम जगमग कर दीजिए। हाँ, कुछ लोग दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप मोमबत्तियाँ जला सकते हैं, मोमबत्तियाँ इसी तरह से मतलब कि जैसे दीपक जलाना है ऐसे मोमबत्तियाँ जला दीजिए। आपने घरों पे हो सकता है बिजली की लड़ें लगवाई हों जिससे पूरा घर आपका जगमग 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 कर रहा हो, तब भी आपको मोमबत्ती और दिया तो ज़रूर ही जलाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप मोमबत्ती दीपक जला करके और हर्षोल्लास के साथ पूरा परिवार प्रसन्न रहे और किसी भी तरह से चिल्ला चिल्ली दिवाली पर नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा गुस्सी नहीं होना चाहिए, नहीं तो त्यौहार का मजा किरकिरा हो जाएगा। अगर कोई कुछ गलती भी कर रहा है तो उसको प्यार से ही समझाना चाहिए, दीपावली के दिन गुस्सा गुस्सी ठीक नहीं बात होती है। और निश्चित रूप से सभी लोगों को महालक्ष्मी के प्रति कृतज्ञ होकर के दिवाली का पर्व मनाना चाहिए, इससे निश्चित रूप से जीवन धन्य होगा। जय मां विद्यावासिनी। और ऐसा कहा जाता है कि पूजा में तो व्यवधान आना ही नहीं चाहिए, उस दिन क्लेश करना ही नहीं चाहिए, ना ही बुरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो जब जीवन में क्लेश हो, तो इस क्लेश को कैसे आप दूर कर सकते हैं और दीपावली पर कौन सा खास उपाय इसको लेकर के पंडित जी किया जा सकता है कि ये क्लेश खत्म हो जाए, कमी ना आए, खत्म ही हो जाए, क्या उपाय करें? देखो ऐसा है आशा, दिवाली मनाई जाती है राम जी के अयोध्या आगमन की खुशी में, बिल्कुल ठीक है, जिनके खुशी में दिवाली मनाई जाती है, अगर वो राम दरबार का चित्र भी आपके पूजा स्थान में न हो तो आप क्या दिवाली बनाते हैं, क्या दिवाली का मतलब है? तो आपके घर के पूजा स्थान में एक राम दरबार तो होना चाहिए और राम दरबार की पूजा भी नित्य होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि राम दरबार का दिव्य चित्र हो, उनका सुबह शाम पूजन करें, उनका नाम संकीर्तन करें, और उसके बाद में घर में कलेश तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जहाँ प्रभु श्री राम विराजेंगे, जब रघुनाथ ही हो साथ तो किस बात की चिंता, तो कलेश कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मंगल होगा। और विरोधी अगर आपको नुकसान पहुँचाते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप विरोधियों के लिए भी भगवान से कामना करिए कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दो, इनको कोई सजा मत देना। तो शिव जी कहते हैं पार्वती से, उमा क्षमा श्रापहु से भारी, अपने पाप जान अपकारी। जिसको आप क्षमा कर देंगे ना उसको प्रभु नहीं क्षमा करेंगे, आप क्षमा करके देख लीजिए। और पूजा के बाद कपूर जलाना चाहिए, लक्ष्मी मंदिर में कमल का फूल, नारियल, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद सोने के एक सिक्के पर केसर और गुलाब का इत्र लगाकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए, और ये सब चीज़ें प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए, गोपनीय तरीके से करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और पंडित जी, एक चीज़ तो मैं आपसे ज़रूर चाहती हूँ कि आज निषेध जो चीज़ें हैं, क्योंकि दीपावली से जुड़ी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं, जैसे जुआ खेलना, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो नहीं करना चाहिए, ये क्या निषेध होता है, क्या संदेश आप देंगे? दिवाली पर जो निषेध है उसमें सबसे पहला निषेध है कि आदमी को मद्य और मांस, इन दोनों चीजों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मांस और मदिरा का स्पर्श नहीं करना चाहिए, द्युत अर्थात जुआ नहीं खेलना चाहिए। जबकि ये तो प्रचलन हो गया है। देखिए, प्रचलन हो गया तभी लोग दुख भी भोग रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को भी देखकर अगर लोगों का ज्ञान नहीं खुल रहा है कि अगर धर्मराज जुए में हार जाते हैं तो क्या होता है, तो हम तो मनुष्य हैं। बिल्कुल ठीक है। और तीसरी बात, दीपावली पर गर्भधारण की प्रक्रिया कभी नहीं संपन्न करनी चाहिए, नहीं तो इससे विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। अमावस्या एकदम पूरी गारंटी है। इसलिए इस दिन पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ ही जीवन जीना चाहिए। और दूसरी बात, दीपावली के दिन काले नीले कपड़े पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, किसी महिला को अशुभ शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए। ये चौथी बात, क्योंकि आप पत्थर की लक्ष्मी को पूज रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी का अगर आप अनादर कर देंगे तो गेट पर ही महालक्ष्मी जब ये देख लेंगी, करें यहाँ तो प्रत्यक्ष वाली ही मारी जा रही है, तो मेरी कौन सी पूजा होगी, निकल के वो दूसरे के घर चली जाएंगी। तो इसलिए इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो महालक्ष्मी आपके यहाँ निश्चित रूप से अस्थायी वास करेंगी। और एक दीप घर के मन मंदिर में भी प्रज्वलित कीजिए, ताकि अपने रोशन विचारों से दुनिया को जगमग कर पाए। इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको कालचक्र का आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। कल फिर ढेरों उपाय लेकर पंडित जी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, लेकिन उससे पहले पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका आशीर्वाद भी मैं तमाम दर्शकों के लिए चाहती हूँ, दिल खोल कर दे दीजिए। माँ विंध्यवासिनी हमारे सभी दर्शकों के, पूरे भारतवर्ष के लोगों के, पूरे विश्व के लोगों के लिए कल्याण करें और सब पूरे विश्व में अमन चैन का माहौल रहे, ये माता विंध्यवासिनी से मैं साष्टांग प्रणाम करके निवेदन करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए।